राधे राधे, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं द राज 13। आज मैं होली के तीसरे एपिसोड में बरसाना होली पहुंचा हूं। फिर से मैं आपको बरसाना की लठमार होली दिखाने के लिए आज पहुंच चुका हूं और इस समय करीब 2 बजे हुए हैं और 4 बजे करीब यहां पर नंदगांव से पंडा आएंगे जो यहां पर लठमार होली का आयोजन स्टार्ट होगा। उनके आने के बाद में यहाँ पर एक रंगीली गली है जहाँ पर होली का आयोजन हो रहा है और वहीं पर लठमार होली होगी, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको साथ साथ इसके साथ साथ यही बताऊंगा कि यहाँ पर लठमार होली क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। कल जैसा कि हमने आपको बताया था, लड्डू होली मनाई गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देखिए। और आज हम लठमार होली का भी आपको व्यू दिखाएंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर होता क्या है कि लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और सिर्फ यही देखने आते हैं कि लठमार होली होती कैसी है। हालांकि देश भर में होली होती है लेकिन बरसाने की लठमार होली सुप्रसिद्ध है और विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां पर लाखों श्रद्धालु दूर दूर से इस होली को देखने ही के लिए ही आते हैं। और मैं आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी दूर से आकर के यहाँ पर होली का लुक उठा रहे हैं। प्रिया कुंड है और प्रिया कुंड के भी आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर लोग आकर के नहाते हैं, उससे जो पंडा आएंगे वो भी यहाँ पर स्नान करने के बाद में ही होली खेलेंगे। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ आप वीडियो के अंत तक और मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि यहाँ पर लठमार होली क्यों मनाई जाती है। पर जो नंदगांव से जो लोग आए हुए हैं होली में, होली खेलने बरसाना में, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ बरसाना की होली का क्या महत्व है और यहाँ पर होली किस प्रकार से खेली जाती है। राधे राधे। राधे राधे। ये आप नंदगांव से यहाँ आए हैं तो ये लठमार होली खेलते हैं, इसका क्या महत्व है, थोड़ा सा पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए। देखिए, राधा और कृष्ण का भाव माना जाता है यहाँ पर। नंदगांव वाले जो हैं वो कृष्ण के सखा रूप में आते हैं और बरसाना की राधा रानी उनकी सखियाँ वो सब सखी रूप में यहाँ पर हमारा इंतज़ार करती हैं। हम लोग कृष्ण के मित्र होने के साथ साथ हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ की सखियों से जैसे एक साली के साथ मजाक किया जाता है, ठिठोली की जाती है, उसी तरह से हम उनके साथ ठिठोलियाँ करते हैं, मजाक करते हैं। तो वो बदले में हमें छेड़ने के लिए, हमारा उससे वो बदला लेने के लिए हम लोगों के ऊपर लठ बांधती हैं और लठ चलाती हैं, जो कि एक प्रेम का एक स्वरूप ही है। वो लठ हम अपने ढाल पर खाते हैं। ये ससुराल है आपकी, ये हमारे लोगों की ससुराल है। बरसानो असल ससुराल हमारो ना तो न्यारो, बरसानो असल ससुराल हमारो ना तो न्यारो। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे अभी स्टार्ट हो रही है, कितने बजे से स्टार्ट होगी होली रंगीली? अभी हम लोग यहाँ से घूमते हुए जाएंगे, टोली हमारी जाएगी, राधा रानी मंदिर में जाएगी, वहाँ पे समाज गायन होगा। समाज गायन होने के बाद हम लोग सब नीचे उतर करके आएंगे और 5 से 6 बजे के बीच में वहाँ होली लठमार होली वहाँ स्टार्ट हो जाएगी। सारी सखियाँ लठ ले लगे कर हम लोगों का वहाँ पर इंतजार कर रही होंगी और 5 से 6 लगातार हम 1 घंटे हम सारे नंदगांव के ग्वालवाल लठ खा रहे होंगे। ये जो होली होती है वो रंगीली गली में ही होती है? रंगीली गली में ही होती है। मुख्य जो गली है वो रंगीली गली है। ऐसा क्यों? देखिए, परंपरा चली आ रही है बरसों से कि वो जो होली होनी है, जिस गली से, जिस रास्ते पर वो सखियाँ रहती हैं, जिस रास्ते से कान्हा जी गुजरे, जिस रास्ते से हम लोग एक सखा भाव में जाएंगे, उस रास्ते पर को रंगीली गली कहा गया है। दूसरा कारण यह भी है कि वहाँ सारा गोसाई परिवार रहता है, गोस्वामी परिवार, और ये जो होली है भी गोस्वामी परिवार की, इसमें अन्य किसी जाति का नंदगांव प्रवेश नहीं है। का सिर्फ गोस्वामी समाज ही खेलता है। तो जो रंगीली गली से रास्ता होके निकलता है, जो जैसा हमारे बड़े भैया ने बताया कि एक तो भाव ये भी है कि जहाँ से हमारे ठाकुर जी चलते हुए आए, जहाँ से हमारे मित्र सखा हमारे चलते हुए आए, तो हम उसी गलियों से निकलते हैं। और दूसरा, क्योंकि उस गली में गोस्वामी समाज भी है और उन्हीं की
सखियों को हम छेड़ते हैं, जब सखी रूप में अपनी साली रूप में हम उन्हें छेड़ते हुए आते हैं, तो ज़्यादातर हमें वहीं प्रेम भाव मिलता है और वहीं हमें बहुत रस मिलता है खेलने में। सबसे ज़्यादा रस जो खेलने का है वो पूरे बरसाने धाम में रंगीली गली में मिलेगा आपको। फिलहाल आप तैयार हो चुके हैं यहाँ के लट्ठों का सामना करने के लिए? हम बहुत तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, वो भी तैयार हैं। आपकी दाल वगैरह लेके आए हुए हैं? दाल हम लेकर आए। अच्छा, ये जो दाल होती है, हाँ जी, ये दाल किस चीज की बनी होती है? ये देखो, अलग अलग चीज की बनी होती है, ये सुदामा जी इनके प्योर चमड़े की भी बनी होती है और इसके ऊपर एक रबड़ की परत चढ़वा दी जाती है, जिससे जो सखी इस पे प्रहार करेगी अपने लठ से तो वो उसके हाथ में भी नहीं लगेगा। कई बार होता है कि लठ के ऊपर लठ लग जाता है तो वो हाथ में भी छाले पड़ने के चांसेस रहते हैं, पर इसमें अगर ऊपर रबड़ लग जाएगी तो वो लठ का प्रहार उतने उनके भी हाथ पे नहीं लगेगा। और जो नीचे ढाल पकड़ते हैं, हमारी ग्रिप जो होती है वो उंगली पे ग्रिप पूरी छिल जाती है, लेकिन इसमें नीचे गद्दी लगने से और ऊपर रबड़ लगने से तो हमें लठ खाने में भी आनंद आएगा और उन्हें लठ बजाने में भी आनंद आएगा। जैसा कि यहाँ की जो सखियाँ हैं वो तैयार होके आती हैं, सज धर के आती हैं, उसके बाद में होली खेलती हैं, लेकिन लोगों ने देखा है कि होली के समय लोग सजते नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग सज के आते हैं। आप भी सज के आए हैं, यहाँ की जो गोपियाँ हैं वो भी सज के आएंगी, इसके पीछे कोई रहस्य होता है? देखिए, रहस्य नहीं है इसके पीछे, सिर्फ इतना रहस्य है, जब आप जैसे आप हो, आपका कोई साली होगी, आप उसके सामने जाओगे तो कैसे जाओगे? फटे पुराने कपड़े पहन के नहीं जाओगे ना, आप बहुत अच्छा सज कर जाओगे, पान खाकर जाओगे, अच्छे वस्त्र पहन कर जाओगे। तो हम भी उसी रूप में यहाँ पे सखियों के सामने रहते हैं, बिल्कुल सज सवर कर आते हैं, बढ़िया अपनी ढाल को लेकर आते हैं, उनसे हंसी टिटोली करने के लिए आते हैं, ताकि हम भी बहुत अच्छे से उनको अंदर से हमारे भाव हो, वो हंसी टिटोली करने का एक होता है ना, ओवर एक कॉन्फिडेंस होता है, आप तैयार होकर जाओगे तो सामने वाले के सामने वैसे ही आप प्रेजेंट हो पाओगे। आप कितने समय से यहाँ लगातार होली? मुझे 14 साल हो गए। 14 साल हो गए जी। पिछले 2 सालों में कोरोना में होली नहीं हुई थी, तो उसके बजाय इस बार जो होली हो रही है तो उससे बेहतर है या फिर? देखिए, पिछले साल वैसे होली हुई थी, होली रुकी नहीं है, और ऐसा ये तो शायद गलत है कि होली रुकी है, ये होली कभी नहीं रुकी है। और कोरोना काल में आपने देखा होगा, दुनिया भर की बीमारी चली, यहाँ पे होली पे इतने लोग आते हैं, पर आज तक कोई उसका कोई यहाँ से बीमार होके नहीं गया। तो राधा रानी का दरबार है, यहाँ से सही होके जाते हैं ठाकुर जी के धाम में, ठाकुर जी के धाम में। आप देखो, 2 साल में पूरी दुनिया जहाँ त्राही त्राही कर रही थी, वहाँ नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, गोकुल, वहाँ कोरोना का कोई प्रभाव नहीं देखने को मिला। ठाकुर जी की ऐसी असीम कृपा रही है, ये राधा रानी की कृपा है। राधा रानी की, बोलो राधा रानी की जय। सबरे हो रहे, अरे तैयार है, पाग बांध ली है, ढाल तैयार है, अपनी झंडी हाथ में ले ली है, यहाँ से हम बरसा ऊपर मंदिर में जाएंगे और वहाँ से फिर अपनी समाज पूरी करके राधा रानी की रंगीली गली में आएंगे, फिर अपना आनंद लठमार होली का रस प्राप्त करेंगे। तो कैसी अनुभूति होती है, लगती है चोट? लगने की तो दूर की बात है, थकान भी महसूस नहीं होती है, सबसे बड़ा आनंद रस की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, आज हम नंदगांव से आए हैं, बसंत पंचमी 5 फरवरी से हम तैयारी कर रहे हैं, अब 40 दिन यहाँ हमारे ब्रज में होली चलती है। आज हम पूरी टीम के साथ नंदगांव से ग्वाल वालों के साथ राधा रानी पहुँचे पीली पोखर पे, भांग ठंडियाई छाट के छान चून के एकदम चक के हैं, इनकी आँख शराबी नराबी हो रही है, अब यहाँ से राधा रानी के मंदिर जाएंगे, डाल वाल। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ सभी जितने भी नौगांव के लोग हैं, हुरियारे आए हुए हैं, सभी यहाँ तैयार होकर के राधा रानी मंदिर की तरफ निकल चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं झंडा लेकर के, और यहाँ से सभी साथी इनके और राधा रानी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अभी आपको वहाँ दिखाते हैं किस तरीके का व्यू है, और उसके बाद में रंगीली गली की में होली खेलेंगी, वहाँ भी मैं आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। एंड दोबारा मिल गए, दोबारा मिल गए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं,
हुई निहाल के होली